हेलो एंड वेलकम टू चाणक्य IAS एकेडमी। आपने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में तो सुना होगा। यह स्पेस स्टेशन लगातार पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, लेकिन क्या आपने ऐसे ही किसी स्पेस स्टेशन के बारे में सुना हो जो चंद्रमा के चारों ओर परिक्रमा कर रहा हो? हो सकता है आपने सुना हो या ना सुना हो, लेकिन एक ऐसा ही स्पेस स्टेशन है जिसका नाम है गेटवे आउटपोस्ट। यह गेटवे आउटपोस्ट नासा के द्वारा स्थापित किया जा रहा है और इसका उद्देश्य यह है कि वह अंतरिक्ष यात्री जो अर्टमिस मिशन के तहत जा रहे हैं वह आसानी से लंबे समय तक वहां रुक सकें और कार्य कर सकें। तो अब यहां अर्टमिस मिशन के बारे में जान लेना जरूरी हो जाता है। हम सबको ये तो पता होगा कि चांद पर पहला कदम रखने वाले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग थे, लेकिन क्या आपको पता है कि अंतिम मिशन चांद पर कब हुआ था? यह मिशन नासा के द्वारा किया गया था और यह 1972 में हुआ था। उसके बाद कोई भी व्यक्ति चांद पर नहीं गया है। तो अब इसी प्रक्रिया में दूसरी बार नासा यह प्रयास कर रही है कि वह फिर से अपने यहाँ से व्यक्तियों को चांद पर भेजे और इस बार अर्टमिस मिशन के तहत ऐसा किया जाएगा। अर्टमिस मिशन में पहली बार किसी महिला और एक व्यक्ति जो अमेरिकी मूल का नहीं होगा उसको भी चांद पर भेजा जाएगा। भारतीय संदर्भ में अर्टमिस मिशन का अपना ही महत्व है, क्योंकि उन 18 अंतरिक्ष यात्रियों में जो अर्टमिस मिशन का हिस्सा हैं उनमें एक भारतीय मूल के व्यक्ति भी हैं जिनका नाम राजाचारी है। अब यहाँ यह भी समझ लेते हैं कि इस मिशन का नाम अर्टमिस क्यों रखा गया। तो ग्रीक मैथोलॉजी के हिसाब से अर्टमिस अपोलो की जुड़वा बहन थी और अर्टमिस का अर्थ होता है चांद की देवी। अब यहाँ हम यह जान लेते हैं कि अर्टमिस मिशन अपोलो से किस प्रकार से अलग है। अपोलो मिशन का लक्ष्य केवल चांद की सतह तक पहुँचना था, जबकि अर्टमिस मिशन में अंतरिक्ष यात्री वहाँ जाएंगे और लंबे समय तक वहाँ रुक कर वहाँ की कंडीशंस को चेक करेंगे और साथ ही वह ऐसे क्षेत्रों में भी जाएंगे जहाँ तक अभी तक नहीं पहुँचा जा सका है। इनमें चांद का साउथ पोल भी शामिल है। अब यदि हम अर्टमिस के मुख्य उद्देश्यों की बात करें तो इसमें सबसे पहला हो जाता है चांद की सतह पर पानी तथा अन्य संसाधनों की तलाश करना। दूसरा हो जाता है वहाँ पर जाकर चांद की सतह को समझना ताकि इसके साथ हम ब्रह्मांड की अपनी समझ को और अधिक बढ़ा सकें। तीसरा उद्देश्य है पृथ्वी के अलावा अन्य किसी ग्रह या उपग्रह पर रहने की कंडीशंस का परीक्षण करना। यहाँ पर अंतिम लक्ष्य यह है कि नासा का अगला मिशन मंगल पर पहुँचना है, तो मंगल पर पहुँचने से पहले वह अपनी तकनीक को टेस्ट कर लेना चाहता है और इसके लिए वह अर्टमिस मिशन का प्रयोग करेगा। अर्टमिस मिशन को 2024 तक भेजे जाने की योजना है। अभी तक हमारे पास चंद्रमा के वातावरण में बहुत सीमित जानकारी है। ऐसे में अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा वहाँ पर एक बड़ी चुनौती है। इसी चुनौती से निपटने के लिए नासा ने हर्मीस मिशन का परीक्षण किया है। हर्मीस का मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष के मौसम की निगरानी करना, साथ ही सूर्य के प्रभाव में अंतरिक्ष में आने वाले विभिन्न उतार चढ़ाव की निगरानी करना है। अब हम बात कर लेते हैं कि अंतरिक्ष मौसम में क्या क्या शामिल है। इसमें सबसे पहली चीज़ जो आती है वो होती है सोलर विंड। सोलर विंड क्या होती है? यह कणों और चुंबकीय क्षेत्र की एक निरंतर धारा होती है। इसमें दूसरी चीज़ जो शामिल है वह है कोरोनल मास इजेक्शन, या इसको बोलते हैं बहुत विशाल जो बादल होते हैं, गैसीय बादल होते हैं, उनमें विस्फोट को कोरोनल मास इजेक्शन बोलते हैं। इसमें तीसरी चीज़ जो शामिल है वह होती है सोलर फ्लेयर्स, और इसमें जो अंतिम चीज़ शामिल है वह है इन तीनों का मिश्रित प्रभाव और उस प्रभाव के कारण अंतरिक्ष में आने वाले उतार चढ़ाव। ये इसमें चौथी चीज़ जो है वह अंतरिक्ष मौसम में शामिल की जाती है। ये घटनाएँ संयुक्त रूप से अंतरिक्ष यात्रियों साथ ही रोबोटिक्स मिशन के लिए खतरा उत्पन्न कर सकती हैं। इन्हीं खतरों से निपटने के लिए नासा ने हर्मीस मिशन को तैयार किया है। हर्मीस मिशन के चार हिस्से हैं। अब हम इन चार स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे। इनमें सबसे पहला नाम आता है नेमेसिस का, जिसका फुल फॉर्म आप यहाँ देख सकते हैं। नेमेसिस का काम होगा गेटवे आउटपोस्ट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करना। इसमें दूसरा इंस्ट्रूमेंट है मेरिट। मेरिट का काम होगा जो आयंस और इलेक्ट्रॉन्स होंगे गेटवे आउटपोस्ट के चारों तरफ उनको मेजर करना। इस क्रम में तीसरा इंस्ट्रूमेंट है EEA। इसका काम होगा जो कम एनर्जी वाले आयंस होंगे उनको मेजर करना, और ये कम एनर्जी वाले आयंस जो हैं वह सोलर विंड का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। इसमें अंतिम है SPAN-1। SPAN-1 का काम होगा ऑक्सीजन समेत प्रोटॉन्स और आयंस को मेजर करना। इन चारों इंस्ट्रूमेंट द्वारा भेजे गए डेटा का प्रयोग नासा अपने अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा के लिए करेगा। इस प्रकार हर्मीस का उद्देश्य केवल अंतरिक्ष के वातावरण का अध्ययन करना ही नहीं बल्कि अर्टमिस मिशन के तहत गए अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा करना भी है। इस प्रकार हमने जाना कि किस प्रकार नासा अपने अर्टमिस मिशन के तहत दोबारा से व्यक्तियों को चांद पर भेजने का प्रयास करेगा। इस बार केवल चांद पर जाकर वापस आना नहीं बल्कि वहां रुक सकने की परिस्थितियों का अध्ययन करना भी है।
आगे ऐसे ही नई नई जानकारियों को जानने के लिए आप हमसे जुड़े रहें, हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.